एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा, जिसे सीजर्स या फिट्स भी कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का सर्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि दिमाग कुछ देर तक काम करना ही बंद कर देता है। याद रहे, हर दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता है। जब व्यक्ति को बार बार दौरा पड़ने लगे तभी व्यक्ति को एपिलेप्टिक माना जाता है। देखिए, हमारे ब्रेन में दो तरीके के न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक न्यूरॉन होता है एक्साइटेटरी न्यूरॉन, जिसका काम होता है हमारे शरीर में किसी भी एक्शन को, अपने हाथ पाँव को मूवमेंट करवा पाने में या किसी भी प्रकार के मूवमेंट को अंजाम देने में मदद करना, दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करके ताकि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यानी इलेक्ट्रिक मैसेजेस पास हो सके। और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन, जिसे निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर के मूवमेंट को रोकने का काम करते हैं, न्यूरॉन के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को सप्रेस करके। जब ये दोनों ही संतुलन को बनाए रखते हैं तब हमारा शरीर बिल्कुल संतुलित बना रहता है। अपने मूवमेंट हम जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने किसी भी मूवमेंट को कर सकते हैं, जब चाहे अपने मूवमेंट को रोक भी सकते हैं, अपने हाथ पाँव वगैरह किसी को भी रोक सकते हैं जब चाहे। एपिलेप्सी में क्या होता है, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। ब्रेन में एक्साइटेटरी न्यूरॉन फायर होकर इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं, और जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं उनका डाउन रेगुलेशन हो जाता है, मतलब वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। बस ब्रेन में इतना तेजी से इतना ज्यादा फायर होने का मतलब व्यक्ति का ब्रेन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाना, काम ही नहीं कर पाना। इतना भयानक दृश्य होता है कि शायद दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो इतना भयावह हो सकती है। देखिए, अगर ये ब्रेन के किसी एक छोटे से हिस्से में होता है तो इसे पार्शियल एपिलेप्सी कहते हैं। वहीं अगर पूरे के पूरे ब्रेन में ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन फायर होने लगता है तो इसे जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं। देखिए, ये पार्शियल एपिलेप्सी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल पार्शियल एपिलेप्सी, जिसमें अवेयरनेस तो बनी रहती है, चेहरे का एक हिस्सा ऐठ जाता है, मसल ट्विस्ट होने लगती है, खास तौर पर चेहरे की। और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी, मतलब उसमें ब्रेन के किसी एक हिस्से में न्यूरॉन बहुत ही तेजी से फायर करने लगते हैं पर अवेयरनेस चली जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल पाता है पेशेंट को, कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाता है पेशेंट, चेहरे का एक हिस्सा ऐठ जाता है और कुछ देर बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन का फायर होना अगर बहुत ही ज्यादा अपने नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा पूरे ब्रेन में ही फैल जाता है तो इसे जनरलाइज एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं, और ये 6 प्रकार का होता है। पहला होता है टॉनिक एपिलेप्सी। टॉनिक एपिलेप्सी में क्या होता है, जैसा इसका नाम है, इसमें मसल टोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब व्यक्ति की जो मसल है वो बहुत ज्यादा स्टिफ होकर व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। दूसरा होता है एटॉनिक एपिलेप्सी, जिसमें व्यक्ति का मसल टोन बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, जिसमें व्यक्ति ढीला होकर आगे की ओर गिर जाता है, और इन सब में व्यक्ति का कॉन्शियसनेस लूज हो जाता है। तीसरा होता है क्लोनिक सीजर्स, इसमें क्या होता है, व्यक्ति तो गिर जाता है बेहोशी की हालत में लेकिन उसकी मसल लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती है बिल्कुल वायलेंटली, जिसे देखकर शायद व्यक्ति डर भी जाए कि कोई व्यक्ति इतनी बुरी तरीके से तकलीफ कैसे झेल सकता है। चौथे प्रकार का जो सीजर्स पड़ता है व्यक्ति को वो होता है मायोक्लोनिक सीजर्स, जिसमें व्यक्ति का अचानक से ही खड़े खड़े ही हाथ पाँव की मसल ऐठ जाती है, मानो जैसे व्यक्ति पर कोई बिजली गिर रही हो। उसके बाद जो सबसे खतरनाक मिर्गी का दौरा होता है, जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति डर के मारे रोना शुरू कर दे, वो होता है टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, जिसे कन्वल्सिव सीजर्स भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का शरीर ऐठ कर पीछे की ओर गिर जाता है और गिरकर उसका पूरा शरीर हाथ पाँव गर्दन और चेहरे की मसल बिल्कुल कांपना शुरू कर देती है, झटका देना जर्क करना शुरू कर देती है खतरनाक तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से। इस प्रकार की फिट्स को देखना एक बहुत ही भयावह दृश्य हो सकता है, जिसमें पेशेंट बहुत ही बुरी तरीके से तकलीफ को सहन करता है। एक छठे प्रकार का जनरलाइज सीजर और भी होता है, जिसे एब्सेंस सीजर्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें व्यक्ति का कोई भी अंग ऐठता तो नहीं है, व्यक्ति बेहोश होकर गिरता भी नहीं है, लेकिन इसमें व्यक्ति बस घूरता हुआ नजर आता है, लिप्स की मसल्स बहुत ही ढीली हो जाती हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ ढीली पड़ जाती हैं। ये बच्चों को होता है, जिसमें पेरेंट्स को ये कभी पता ही नहीं चल पाता है कि उनके बच्चों को इस प्रकार की कोई बीमारी है भी। बहुत पॉसिबल है कि बच्चा बड़ा होते होते ये प्रॉब्लम खुद ही उसकी सॉल्व हो जाए। अब ये किन कारणों से होता है, मतलब न्यूरॉन का फायर, एक्साइटेटरी न्यूरॉन का फायर किन कारणों से ब्रेन के अंदर सर्ज करने लगता है, इसका मूल कारण हो सकता है या तो हमें ब्रेन इंजरी हो गई हो, स्ट्रोक हो गया हो, या ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, बर्थ डिफेक्ट हो गया हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया हो, इन सब चीज़ों की वजह से ये एपिलेप्सी होना बहुत ही आम बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है एपिलेप्सी का
अधिकतम लोगों में, खासतौर से भारत में, वो होता है जीनेटिक्स, जिसमें मल्टीपल जीन्स रोल प्ले करती हैं। बहुत बड़ा चांस इसमें जेनेटिक म्यूटेशन का भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें माता या पिता या दोनों से ही ऐसी जीन्स आ जाती हैं बच्चों में जिसमें बच्चों को एपिलेप्सी हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर वाले एपिलेप्सी में बच्चे का मानसिक विकास ही बहुत ही धीरे धीरे होता है। डायग्नोसिस इसका EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, जो ये पता लगाता है पार्शियल एपिलेप्सी है या जर्नलाइज या जेनेटिक टेस्ट हो सकता है इसका, इसको पता करने का। और इसका कोई क्योर नहीं है, हाँ इसका कंट्रोल है, दवाइयों से इसे मैनेज किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द दुनिया इसका क्योर ढूंढ पाए।